देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अपने स्वामित्व की जमीन पर जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए जा रहे तालाब के विवाद में पूर्व निगम अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश पोरवाल पर बुधवार सुबह प्राण घातक हमला हो गया। घायल पोरवाल को जिला अस्पताल लाया गया। खबर मिलते ही अस्पताल में भीड़ लग गई। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी के अलावा भाजपा नेता विकास कोठारी, पवन सोमानी, अशोक चौटाला सहित भाजपा नेता और विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता जिला अस्पताल पहुंचे। खबर के मुताबिक रामपुरा फंटा पर पोरवाल की खदान है। इसी खदान के पास उनके बेटे अनुज पोरवाल के नाम की जमीन है। इसी जमीन पर जब जल संसाधन विभाग ने तालाब निर्माण शुरू किया तो अपने स्वामित्व की जमीन होने की पोरवाल ने शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने प्रकरण कोर्ट में दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को जमीन की वीडियोग्राफी करवाकर पेश करने के आदेश दिए। गुरुवार 2 जून को तारीख होने से पोरवाल सुबह जब उक्त जमीन की वीडियोग्राफी करवाने बुधवार सुबह मौके पर पहुंचे तो उन पर धारदार हथियारों से हमला करवाकर मारपीट की गई। उनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी देते हुए दिनेश पोरवाल ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया, मुझे शासन ने रजिस्ट्री करवा के पट्टा अलर्ट किया है अनुज के नाम पे। जल संसाधन विभाग ने बिना सर्वे करवाए, बिना नियुक्ति करवाए, बिना प्रेस विज्ञप्ति जारी किए, बिना लोगों को मुआवजे बांटे, जगह को चिन्हित भी नहीं किया उन्होंने कि तालाब की लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी, उसकी सीमा क्या है। बिना उन्होंने सर्वे किए, बिना उसके उन्होंने वहाँ काम चालू कर दिया। नहीं, जो जमीन पर आपकी खदान है क्या वो जमीन में तालाब बनाना चाहते हैं? मेरे पास से लगती हुई जमीन है और मेरी जमीन पे भी, तो वो जमीन पर आपका हक है? मेरे पास रजिस्ट्री है और मेरी अनुज के नाम पे जो रजिस्ट्री है उसके अंदर बीच में इन्होंने चुने की लाइन डाल के वहाँ पे काम चालू कर दिया इन्होंने। तो आपको क्या लगता है हमला सरकारी रूप से हुआ है? अधिकारी लोग साथ में थे, वो आए, उनके साथ में वो लोग थे, कोई सरकारी समय ड्यूटी का था भी नहीं। 9:15 के लगभग की घटना है। किस तरह के हथियार थे उनके पास? धारदार हथियार थे और उन्होंने मारा मुझे। चेहरे से जानता हूँ, नाम से जानता नहीं हूँ मैं। कलेक्टर साहब को भी मैंने आवेदन दिया था, प्रभारी मंत्री जी से भी मैं मिला था, सांसद जी से मैं मिला, विधायक जी से मैं मिला और मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स उनको बताए और मुझे जब लगा कि अधिकारी इसमें सबको मिसगाइड कर रहे हैं तो मैं न्यायालय की शरण में गया और न्यायालय ने कल मुझे आदेश दिए थे कि दोनों पार्टियों को कि आप दोनों जाके वहाँ के वीडियोग्राफी फोटोग्राफ करवा के 2 तारीख के वापस पेश करना था और आज ये इस प्रकार का उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मुझे जान से मारने की धमकी दी। ये ज़मीन हमारी है, ये आना मत, तुमको जान से ख़त्म कर देंगे। वो हमारे साथ मारपीट की और कैमरे छीन लिए, वो हमको वहाँ से भागना पड़ा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवंटन के साथ मोटे वेतन पर सरकार बड़ा अमला रखती है, लेकिन ध्वस्त होती व्यवस्था और लापरवाह जिम्मेदारों के कारण मरीजों को तो खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। ये तस्वीरें देखिए जो बुधवार सुबह जिला अस्पताल की है। एक फेज बंद होने से अस्पताल की एक्सरे मशीन बंद रही। एक्सरे रूम में अंधेरा होने पर मशीन बंद हो गई। इस वक्त एक्सरे करवाने के लिए एक मरीज मशीन पर ही बैठा था जो गर्मी में पसीने से तरबतर हो गया। वहीं हमले में घायल होकर आए पूर्व निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल बाहर स्ट्रेचर पर लेटे लाइट आने का इंतजार करते रहे। हद तो तब हो जाती है जब इंतजामियों ने दूसरे फेज पर एसी, कूलर और अन्य विद्युत व्यवस्था कर रखी है जो गर्मी में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी लुफ्त लेते रहे। किसी को भी मरीजों की चिंता नहीं थी। कुछ नर्सिंग स्टाफ तो लाइट नहीं होने पर हाथ से पंखा करती नजर आती है। एक तरफ कहते हैं अस्पताल में इमरजेंसी विद्युत कनेक्शन है, वहीं अस्पताल में बड़े जनरेटर भी है, लेकिन ऐसे समय व्यवस्था की पोल खुल ही जाती है। लाइट का इंतजार कर रहे मरीज ने बताया, क्या नाम है भैया? अजय। कहाँ से आए? फल्दोना से। काई के रहा? पैर टूट गया। ये एक्सरे की मशीन कब से बंद पड़ी हुई है और कितनी देर हो गई आपके? एक घंटा हो गया लगभग। आप यहाँ पे गर्मी में बैठे हुए? हाँ। यातायात पुलिस ने यातायात जागरूकता दिवस पर शहर में रैली का आयोजन किया। रैली यातायात थाने से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः थाने पर आकर समाप्त हुई। रैली में एनसीसी कैडेट्स हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे।
उनके पीछे नगर सेवा वाहन रैली में शरीक हुए थे। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार राय ने बताया। निकाली गई किस बात को लेकर रैली निकाली गई? ये यीशु का डायरेक्शन मिले थे हमको, तो श्रीमान एसपी साहब द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर जो सड़क में जो हाईवे पे प्लस सिटी के में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ज़्यादा, और उसमें डेथ की रेट बढ़ रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि लोग नियम के प्रति अवेयर हों और जब वाहन चलाएं तो सुरक्षित रूप से वो वाहन चलाएं और सुरक्षित रूप से घर पहुंचें। तो ये हम चाह रहे थे कि यातायात नियमों का जितना हम प्रचार प्रसार कर पाएँ, लाइक सीट बेल्ट, हेलमेट और तीन सवारी नहीं बैठाना, नाबालिगों को वाहन नहीं देना, ये मेज़र हमने इस चीज़ को मेजर इसको रखा है। तो आज ये जो पर्पज़ था रैली का, आज ये पर्पज़ था। इस मौके पर स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों और महिलाओं को जागरूक करने हेतु कानून की जानकारी देने के लिए महिला जागरूकता बुकलेट का वितरण भी किया गया। इस बुकलेट में महिलाओं के कानून और अधिकारों के साथ कभी कोई घटना होने पर तत्काल पुलिस को बुलाने के लिए पुलिस के नंबर्स भी प्रकाशित किए गए। ट्रैफिक एसडीओपी शीला सुराना ने मीडिया को बताया। बुकलेट छपाई है और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बुकलेट जो है ये पीएचक्यू के आदेश से और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में छपवाई गई है, और इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि हम लोग स्कूल और कॉलेज की जो बच्चियां पढ़ रही होती हैं उन तक कानून और सुरक्षा संबंधी जानकारी और प्रचार प्रसार कर सके, इसलिए बांटी गई है। क्या संदेश देना बच्चियों को? अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो वी आर ऑलवेज फॉर देम। 24/7 पुलिस अवेलेबल रहती है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि कोई अपराध घटित होता है तो उसकी जानकारी आप मतलब परेशान होती हैं बच्चियाँ, वो अंदर ही अंदर परेशान होती है। तो हम लोग जो ऊर्जा डेस्क है उसका सही रूप से संचालन हो पाए, इसके लिए रतलाम के हर थाने पर ऊर्जा डेस्क का संचालन हो रहा है, जहाँ पर लेडी ऑफिसर्स काम कर रही हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये काम किए जा रहे हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चियाँ और महिलाएँ अपनी बात निसंकोच वहाँ रख सकें, इसलिए हम लोग उनको यहाँ पे आके संदेश दे रहे हैं कि आप आइए और हमें बताइए अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको, ताकि हम लोग जो है अपराध को रोक सके, महिलाओं में बढ़ते अपराध को रोका जा सके। किन नंबरों पर महिलाओं को संपर्क करना? आप कंट्रोल रूम रतलाम को फ़ोन लगा सकते हैं, महिला थाने पर या किसी भी थाने पर लगा सकते हैं जहाँ पर नंबर होता है। हम लोगों के नंबर आप लोगों के पास में सभी के पास अवेलेबल है, आप किसी पर भी फ़ोन लगाकर हमें तुरंत बता सकते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बस आराम से अपना काम कीजिए, खुश रहिए, घूमिए फिरिए, वी आर ऑलवेज विद यू। निगम के कचरा वाहन से मंगलवार को बिरिया खेड़ी क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बालक घायल हो गया था। इसके पूर्व भी कचरा वाहन से हादसे हो चुके हैं। निगम के कचरा वाहन से होने वाले हादसों को लेकर कांग्रेस ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंप कर कहा कि निगम अधिकारियों ने वाहन चालकों को प्रतिदिन 6 राउंड लगाने का दबाव बना रखा है। इसी दबाव के कारण कचरा वाहनों से हादसे होकर जनजीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस ने निगम अधिकारियों की कार्यशैली सुधार कर हादसे रोकने की मांग की है कि कचरे से ज्यादा लोगों का जीवन जरूरी है। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट ने अंबर टाइम्स को बताया। आज आप आए हैं ज्ञापन देने, क्या मांग थी आपकी? कल का जैसे कि आप सभी को विदित है कि नगर निगम के वाहन के द्वारा एक बालक को दुर्घटना करके और 10 मीटर तक उसको घेचा गया वहाँ, जिससे उसके हाथ का पूरा फ्रैक्चर हो गया, सर पर भी उसके चोट लगी। इससे पहले भी 3 महीने पहले ज्योति करके जो बालिका थी, पूनम करके जो बालिका थी, उसको भी 600 मीटर दूर घसीटा गया था, जिसकी उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। हम यहाँ पर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि एक तो सबसे पहले यहाँ का रूट बदलें, और जो चालक था उसने बोला वहाँ पर कि ऊपर से अधिकारियों का दबाव आता है कि आपको एक दिन के अंदर 6 चक्कर काटना है। तो कचरा वाहन जो कचरा है वो किसी आदमी की जान से ज़्यादा बढ़कर है क्या? हमने उनसे सामने मांग रखी है कि जो भी अधिकारी था जिन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया और तेज गाड़ी चलाने का जो आदेश दिया है कि एक दिन में आपको 6 चक्कर लगाने हैं, उनके ऊपर जिलाधीश के द्वारा कुछ कार्रवाई की जाए। और इसी मसले पर हम सब यहां पर आए हैं, और उसके अलावा हम एसपी साहब के पास भी जा रहे हैं, क्योंकि जो बालक के जो पिताजी हैं उनके ऊपर भी उन्होंने उल्टी कायमी कर दी कि इन्होंने हमको मारा और डरा धमका के बंधक बनाया, जो सरासर अन्याय है। इसके लिए हम जिलाधीश महोदय और एसपी साहब के पास आए हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से 6 ऐसी जल गए। आग लगने की सूचना पर नगर निगम की दमकल पहुंची, तब तक काफी बड़ा नुकसान हो चुका था। रात करीब 11 बजे नगर निगम की फायर ब्रिगेड को पुलिस नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली, चांदनी चौक स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में से धुआं निकल रहा है। इसकी सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष को स्थानीय रहवासियों ने दी। पुलिस की सूचना के बाद नगर निगम के फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी को भेजा गया। बताया जाता है कि बैंक के अंदर आग लगने के बाद सायरन की आवाज आने लगी, उसके बाद आसपास के रहवासियों ने देखा। तब तक बैंक के गार्ड ने भी पुलिस नियंत्रण कक्ष सहित अपने आला अधिकारियों को सूचना दे दी। बाद में जब दमकल पहुंची तो उनको अंदर जाकर आग पर काबू पाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। असल में आग लगने से बैंक पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई थी। ऐसे में आग लगने वाले स्थान को टॉर्च की रोशनी में देखा गया। अंदर जाकर जब देखा तो बैंक के आला अधिकारियों सहित दमकल विभाग के कर्मचारियों के होश उड़ गए। बताया जा रहा है अंदर बैंक के 6 ऐसी दीवार पर ही पिघलकर दीवार पर ही चिपक गए थे। इसके साथ जो फर्नीचर था वो भी जमीन पर गिरा हुआ था। जो फर्नीचर नीचे गिरा हुआ था उसका उपयोग रुपए रखने के लिए होता है। ऐसे में बैंक में आमजन के जमा रुपयों को कोई नुकसान हुआ है या नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने लंबित मांगों को अब तक पूरा नहीं करने पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में 5 सूत्री मांगों में अजाक थाने में पीड़ित परिवारों से अच्छा व्यवहार नहीं होने पर शिकायत दर्ज नहीं करने की निंदा करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। युवजन समाज पदाधिकारी ने बताया, ये रतलाम शहर के जिले के अनुसूचित जाति वर्ग खासकर वाल्मीकि बेहतर समाज की समस्याओं के लिए और एससी एसटी के लिए जो थाने पर जो थाना अनुसूचित जाति जनजाति का है उस थाने पर अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदनों पर शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है ये अजाक थाना एससी एसटी के साथ मजाक थाना बनकर रह गया है। उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं, वर्षों हो जाते हैं, एक एक वर्ष डेढ़ वर्ष तक शिकायतों पर ध्यान नहीं है। इसमें डीएसपी साहब सक्रिय नहीं है, डीएसपी साहब कोई ध्यान नहीं देते। दूसरा, आयुष्मान कार्ड सफाई कर्मचारियों का बनना चाहिए और आयुष्मान कार्ड के एक शिविर लगाकर निगम प्रशासन में जिला प्रशासन सहयोग करके निगम प्रशासन में शिविर लगाकर उनका आयुष्मान कार्ड बना के दिए जाना चाहिए। गरीबी रेखा के लिए आज भी वंचित है, आवास योजना से वंचित है। ये प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है क्योंकि अनुसूचित जाति में सबसे ज़्यादा दलितों में अति दलित पिछड़ा हो जो आर्थिक सामाजिक और आर्थिक से परेशान है पीड़ित है उन्हें न्याय नहीं मिलता है। इस वर्ग की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, उनका सर्वे हो। शैलेंद्र खरे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।